फ्रेंड्स, मैं हूं रेशू और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कुकिंग विद रेशू में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं दिवाली स्पेशल स्वीट बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी, वो है डोरा बर्फी बनाने की रेसिपी। डोरा बर्फी देखकर आपको लगता होगा इसे बनाना तो बहुत ही टफ है, ये हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीका डोरा बर्फी बनाने का। और बिल्कुल हलवाई जैसी डोरा बर्फी बनेगी इस रेसिपी से, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल है जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपके घर पर। तो चलिए शुरू करते हैं डोरा बर्फी बनाना। बर्फी बनाने के लिए लेना है मावा, ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है और इसे मैंने 1.5 लीटर दूध से घर पर ही बनाया है। दूध से कैसे बनाते हैं मावा, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर भी है। और मावा आप मिल्क पाउडर से भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इसमें पनीर 250 ग्राम, जितना मावा लिया है उतना ही पनीर लिया है। चीनी ली है 1 कप, लगभग 200 ग्राम चीनी है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 250 से 300 ग्राम चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोकोआ पाउडर 1 बड़ा चम्मच, इससे जो डोडा बर्फी का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो चॉकलेट सिरप ले सकते हैं आप 1 बड़ा चम्मच, या फिर किसी भी चॉकलेट को मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, बेकिंग पाउडर से डोडा बर्फी बहुत ही दानेदार बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी। घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, आप इसकी जगह पर 4 से 5 इलायची को बारीक क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप दूध लेना है। सबसे पहले गैस पर कोई भी हैवी बॉटम पैन या फिर कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। मावा डाल देंगे इसमें, अभी इस तरह क्रम्बल करते हुए डालेंगे मावा को। अगर आपका मावा फ्रिज में रखा हुआ है और थोड़ा टाइट है तो आप इसमें कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं मावा को। मिक्स कर लेंगे इसको घी में, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है मैंने। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक मावा जो है एकदम स्मूथ ना हो जाए। अभी मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पनीर, और पनीर इसमें कद्दूकस करके डालना है। ये मैंने पहले से कद्दूकस कर लिया है पनीर को। पनीर और मावा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। अगर आपने मावा मार्केट से ख़रीदा है तो आप उसे पहले 2 मिनट के लिए लगभग मीडियम फ्लेम पर भून लें घी में, उसके बाद उसमें पनीर ऐड करें। मावा और पनीर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे दूध, ये मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम ही डाला है दूध। मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे शुगर और मिक्स करेंगे शुगर को, और इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि जो शुगर है वो डिज़ोल्व ना हो जाए पूरी तरह से, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है मैंने। शुगर पूरी तरह डिज़ोल्व हो गई है इसमें, तो अब इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। मिक्स करेंगे बेकिंग पाउडर डाल के। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें रिएक्शन होता है और ये जो मिक्सचर है थोड़ा ऊपर आने लगता है, तो इसको कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है, बिल्कुल मिक्स करना बंद नहीं करना है। बेकिंग पाउडर को मिक्स करने के बाद अब इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह मिक्स करते हुए पकाएंगे। ध्यान रखें आप मिक्स करना इसको बिल्कुल बंद ना करें, अगर आपने मिक्स नहीं किया इसको तो ये नीचे से जलने लगेगा मिक्सचर और आपकी बर्फी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर काफ़ी कम हो गया है। अब इसमें डाल देंगे कोकोआ पाउडर और इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अभी गैस की फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम, मिक्स करेंगे अच्छे से। कोकोआ पाउडर को डालकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कटे हुए काजू डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। काजू ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। और इसी तरह मिक्स करते हुए इसे लगभग 2 मिनट के लिए और पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट के बाद मिक्सचर बिल्कुल कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, आप देख सकते हैं अलग हो रहा है अब कढ़ाई से। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे और थोड़ी देर इसको इसी तरह मिक्स करते रहेंगे जिससे कि कढ़ाई में नीचे जलेगा नहीं मिक्सचर, क्योंकि कढ़ाई गर्म है।
किसी भी ट्रे या प्लेट में घी लगा लेंगे अच्छे से, जिससे कि बर्फ़ी आसानी से निकल आएगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे बर्फ़ी के मिक्सचर को। पूरी प्लेट में मैं स्प्रेड नहीं करूंगी मिक्सचर को, क्योंकि जो डोडा बर्फी हैं वो ज़्यादा पतली नहीं होती हैं, थोड़ी सी मोटी ही होती हैं, इसीलिए मैं इसे हाफ प्लेट में ही स्प्रेड करूंगी। अगर आपकी छोटी प्लेट है तो आप पूरी प्लेट में अच्छे से स्प्रेड कर दें इसको, और अगर बड़ी प्लेट ली है आपने जमाने के लिए बर्फ़ी, तो आप मेरी तरह मिक्सचर को प्लेट में सेट कर सकते हैं। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर देंगे, इस तरह स्पून से हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएंगे अच्छे से बर्फ़ी में। आप चाहें तो इस तरह एक पीस के ऊपर एक कटा हुआ काजू या फिर बादाम लगा दें गार्निश करने के लिए। इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद इसकी बर्फ़ी कट करेंगे। अब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसको पीसेज में कट कर लेंगे। तो ये बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये बहुत ही आसानी से अलग भी हो रही है प्लेट से, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो ये थी रेसिपी डोडा बर्फी बनाने की। आप इस दिवाली और भाई दूज पर ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनेंगी और सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपने घर पर बनाई है। और दिवाली के टाइम पर तो वैसे भी मार्केट में बहुत ही मिलावट वाली मिठाइयां बनती हैं, तो आप इस रेसिपी को बनाकर देखिए, और आप मावा भी घर पर बना सकते हैं, और मावा की रेसिपी मेरे चैनल पर भी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और आप सभी को दिवाली और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से एडवांस में।